जैसे कि आज पेपर के माध्यम से सूचना मिला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोकारो क्षेत्र में सबसे पहला बात उलगुलान 3.0 की हम लोग बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं अब जो अन्य मुद्दे हैं स्थानीय नीति नियोजन नीति के बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई का आगाज हुआ इस बात को जानना होगा। इसलिए जो कैबिनेट में 1932 का जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है इसको लेकर जश्न में सरोबार होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें जमींदोज कर देंगे, जो हमें जमीन पर मिलाने का कार्य करेंगे, इसलिए उन पर हमें लड़ना होगा। उसी क्रम में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसी का एक उदाहरण है। जमीन हमार, रैयत हमें, और हमने के विस्थापित करे खातिर नया नया तरीका तौर जाए के कंपनी के माध्यम से सरकार के माध्यम से लोग आन ले जाते हैं। तो सही खातिर सभी से निवेदन रहते कि अपन एकजुटता के साथ तैयार रहिए, अभी बहुत सारा मुद्दा में हमने की लड़ाई लड़ना है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में स्पष्ट कह चाहे, अगर बनाना हो, अगर कुछ विकास में हो तो खटाल पे बनाओ, भाई खटाल अवैध कब्जा करके पैसा लाओ। हाँ, 5% अपने को काम धाम दे देवी, क्योंकि हम झारखंड लोग दया वाला लगे, उतना दिन से अगर यदि बेचारे में काम काज न करे खटाल जाए बाद, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यदि काम मिलते तो 100 गाँव में 5 गो 10 गो काम खटाल वाला लग दे दीजिए, बाकी 90 गो देंगे लोकल के। सही खातिर अगर बनाना ही है तो तौर जाके जहाँ अतिक्रमण हो तहाँ बनाओ, बाकी अब गांव ग्रामीण सबके एकजुटता के साथ आर पार के लड़ाई खातिर हर जगह रहे तो क्या गिटा एक जगह के नहीं। स्पष्ट कहा जाए तो जहाँ कोयला हुआ तो कोयला संकट है तो खनन के, जहाँ कोयला ना हुआ उद्योग के संकट है तो बड़का बड़का कंपनियाँ के अपन काबिज में, तो पहाड़ में संकट आएगा, प्रशासन पहाड़ के मैंने घसकाए लगल है, धीरे धीरे लोग काटे लगल है। तो अगर हमने अपन संकट के समझे है तो और लड़ाई खातिर तैयार रहे तो ओकरे क्रम में पेपर के माध्यम से हमने पढ़ लिए। हालांकि अभी समय नहीं है, हमने घर नहीं रह पाए थे, लेकिन इगला में विषय से इस विषय के लिए विस्तार से हमें बात करबे, और बाकी गवर्नमेंट के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैंने राज्य खातिर अपनी नीति कब बनता है, जगह में अपन विस्थापन नीति दूसरा पहला बात देख ली। विस्थापन नीति ऐसा बात ना है कि पूरा दुनिया में विस्थापन के मामला है, लेकिन ओकर में 3 गो चीज इम्पोर्टेंट हो जाए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट की वह है कि जगह जमीन लेनी हो और जमीन के बदले जमीन दें, तो हम तो अब तो नीति ऐसा बनना चाहिए कि अगर बायत खेत चाहो तो बायत धान जहाँ अर्जित बताओ ऐसा जमीन दें, बहियार गलो तो बहियार टाइप के जमीन दें, और कनारी गलो तो कनारी टाइप के जमीन दें। इटा नीति बनना चाहिए। सरकार के पास अभी बहुत सारा जमीन है जहाँ मैंने कुछ असर तो अगला पहला बात कि जमीन के बदले जमीन प्रोवाइड कर जाए, बिल्कुल बुलेट था जब पूरा बोकारो ना है, पूरा झरिया कतरा धनबाद भी उलगुलान मांगा है। अब जखने लोग जागते तखने बहुत बड़का उलगुलान रहते, भाषा खतियान के लड़ाई लड़ाई चलिए रहा है अभी चलते छिटपुट, लेकिन अभी बहुत सारा मुद्दा है जखन हमने के लड़ाई थे। ओके, बाद दूसरा मुद्दा यह है नियोजन, धन्यवाद बाबा, नियोजन ओकरा मिलना चाहिए उद्योग के माध्यम से जगह जमीन गला हो। तीसरा चीज हो मुआवजा, तो इला तो पूरा दुनिया में चल रहा हो, जगह जमीन दी तो ओकरा जमीन के बदले जमीन दी, नियोजन दी और मुआवजा दी, लेकिन यहाँ उल्टा भय रहा, यहाँ तौर से जमीन ले लेते। हाँ बिल्कुल अजय, हम भी चाहते हमने को स्पष्ट इटा रहना चाहिए कि आप जितना उद्योग बने खल बन गए नया उद्योग नहीं बनना चाहिए, सीधा बात हो, नया उद्योग के कोई स्थान ना हो झारखंड में। अगर कोई पुराना उद्योग जो 50 साल पहले स्टार्ट भेल हो और तखन यदि लेल गेल हो जमीन, तो उगला यदि अगर उद्योग किला के पुनर्जीवित कर पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो नया उद्योग की अब आवश्यकता ना हो झारखंड में। झारखंड के लोग भोला भाला खेत खरियाने रह वाले लगे, अपनी खेती करके खेते खाए दें, बाकी विशेष आदमी हम जाके एकजुट रहे के लड़ लिया तो। हाँ बिल्कुल जय जन बिल्कुल नागवार दा, तो सही खातिर कॉरिडोर ना कॉरिडोर की बन में है बनाए ले, उगला में बनाओ जहाँ तौर जगह खटाल बैसा लो, खड़ने की कोई आपत्ति ना हो, क्या उगला अपनी का यहाँ घर द्वार जमीन तमीन होना है, अपनी धीरे धीरे घर द्वार हो हियो हो हुआ हो, बाकी ये कॉरिडोर फॉरिडोर अपने गांव ग्राम के जमीन नहीं बनते। साथ ही भतवा चाहे आसपास के जितना भी गांव होते अखनी से हटे गए। हाँ सैंडी को पता है नफरत ही क्या लगे, वो सबसे बड़ा नफरत ही तो नहीं लगे तो भाषा से बताई रहा लो, तो हमने आसपास के जितना गांव के लोग आओ तो जाके भतवा आसपास सभी तनी एकजुटता के साथ, ताकि अब आर पार के लड़े के समय मोटा मोटी आई गया हो, तो खातिर हम चाहब मंटू तो छोड़ दी, वो लोग किला लगथिन हमने से सदियों से अपनी ईर्ष्या द्वेष रखल है, तो अखनी के बारे चर्चा नहीं करेगा, तो बिल्कुल हमने के
बस के सोच के अपन। अरे सही बात, कभी कभी लागे इतना ही प्रशासन इतना कलेक्टरी व्यवस्था एसपी डीएसपी पता नहीं लगा क्या निर्माण गांव आदमी गांव ग्राम के सुरक्षित करे खातिर पहले या उद्योगपति के मैंने तलवा चाटे खातिर समझ में कभी कभी ना आते अंदर के जैसे मैंने ये जो विभाग है प्रशासन और पुलिस के जो काम है उनका पता नहीं अपनी गांव का वाला पर एकदम आँख टाइम दे थे अरे वो कंपनी वाला के धमका है अपनी सांस में रहे तो लड़ाई हमने खुद ही लड़े तो नीचे लड़े तो अपन लड़ाई के कह कि आज नहीं लड़ ले तो फिर आने वाला दिन गिदर बतरू खातिर रहते हो कि ऐसे प्रयास चल रहे हो कि गोटे झारखंडे तोड़ जाएगी एक दिन मैंने अतिक्रमण भेजे तो झारखंड कुछ नहीं बाज तो और सर हाल फिलहाल बैठा लिए वहाँ दीपक दा से तो अखनियों कहल कि आने वाला दिन झारखंड मैंने मेट्रोपोलिटन सिटी बन के रह जो मेट्रोपोलिटन सिटी दिल्ली बन जो तो दिल्ली में दिल्ली नियर हमने बनने थोड़ी रह पार में दिल्ली में लोग तल्ला के तल्ला ऊपर रह जाओ हमने खेती बर कर लगे जैसे खेती खत्म है तो हमने गायब भेजे रंजीत दा धन्यवाद जल्द जाएंगे ठीक है बाकी सबके जोहार विशेष बात करल जेते सब में और सभी ने हम तो चाहब कि सोशल मीडिया को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगो सभी जे पेपर कटिंग टीके लेके सभी सोशल मीडिया में अपन विरोध के दर्ज कराओ कि हम क्या इतना से आपत्ति हो जितना भी सोशल मीडिया हो ट्विटर है जिसने भी मैंने अपन प्रयास है कि सोशल मीडिया के कल बिरनी आ रही है तो 2 बजे बिरनी बगोदर के क्षेत्र में 2 बजे अब जोहार सबके तो बस अटे निवेदन रहा 9 तारीख के रांची में अच्छा ठीक है पप्पू दा तोर से हम बात कर लो जोहार झारखंड जय झारखंड।